अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने का तरीका सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने एमएस वर्ड फाइल को ओपन करना है, तो उसमें कोई भी जो है वो लेट हम लाइन सेलेक्ट करते हैं। तो लेट ये मैंने लाइन सेलेक्ट की है, तो सेलेक्ट करने के बाद ये ऊपर ही आपके पास शो हो जाते हैं। ये मैनुअल तरीका है, मतलब इसमें नीचे अगर आप देखें तो ये बोल्ड वाली ऑप्शन आ गई, तो बोल्ड के अंदर शॉर्ट की भी उसकी लिखी हुई है कंट्रोल प्लस बी। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो वो इटैलिक वाली ऑप्शन है, उसमें शॉर्ट की भी दी हुई है कंट्रोल प्लस आई। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन के लिए है, और उसके लिए भी कंट्रोल शॉर्ट की दी हुई है कंट्रोल प्लस यू। तो ये आप मैनुअल तरीके से कर सकते हैं। लेट मैं इसको करना चाहता हूँ बोल्ड, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। अदरवाइज़ जो है वो इसके लिए सबसे ऊपर अगर हम आएँ तो ये हमारे पास ये बोल्ड वाली ऑप्शन है। ये कौन सी ऑप्शन है? बोल्ड वाली। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये नीचे अगर आप देखें तो ये फाइल हमारी, मतलब जो हमने लाइन अंडर सेलेक्ट की थी, वो क्या हो गई है? बोल्ड। अगर हम उसे दोबारा वापस लाना चाहते हैं तो उसी पर जा कर दोबारा क्लिक करेंगे। ये हम दोबारा क्लिक करते हैं तो ये देख लें कि वो हमारी फाइल वैसे ही अनबोल्ड हो गई है। ओके जी, तो अब हम अगर उसी लाइन को दोबारा सेलेक्ट किया हुआ है तो हम उसको जो है वो करना चाह रहे हैं इटैलिक, तो वापस फिर वही जाएंगे ऊपर। तो ये ऑप्शन देखें इटैलिक वाली, उसके साथ शॉर्ट की भी आ रही कंट्रोल आई। ये आप देख सकते हैं कि कंट्रोल आई वाला जो ऑप्शन है ये इटैलिक, मतलब इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसको क्लिक किया है, और आप नीचे अपना आके वो लाइन देख सकते हैं कि उस पे जो है वो सारा करेक्टर इटैलिक, मतलब उनका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया, ये आप देख सकते हैं। नंबर थ्री पे था कि उसी अगर आपने इसको जो है वो ख़त्म करना है, वापस फिर वहीं जाएँ और वहाँ जाके जो है इसको दोबारा ख़त्म कर दें, वो उस पर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट था कि अगर हमने इसको अंडरलाइन करना है तो सिलेक्ट को हमने किया हुआ है, सिर्फ ये यू वाले करेक्टर पे जो है वो यू के नीचे जो लाइन लगी हुई, इसका मतलब ये अंडरलाइन करेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लाइन आप नीचे आके देख सकते हैं कि ये क्या हो गया अंडरलाइन। ये तो थे इसके मैनुअल मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है कि अगर हमने इसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी करते हैं, कंट्रोल प्लस बी, वापस करेंगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा। इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो ये देखें वैसे ही चेंज हो गया है। अगर आप इसे दोबारा वही प्रेस करेंगे वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू था, मतलब ये ख़त्म हो गया। अब दोबारा अगर हम लगाते हैं तो ये देखें वापस फिर आ जाएगा। तो ये था फंक्शन बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का। होप के आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।